ऋषि महापुराण की कथा कहती है, यदि राहु है, केतु है, शनि है, मंगल है, बुध है, शुक्र है, शनि है, आपको कोई भी ग्रह परेशान कर रहा है, आपके जीवन में कोई ग्रह अगर अनिष्टकारी है, आपके जीवन में अगर कोई ग्रह अनिष्टता प्रदान कर रहा है, तो निवेदन है शंकर के मंदिर में जो कलश लेकर आप जाएं, जल लेकर जाएं, उस कलश में मात्र अक्षत के दो दाने डालकर ले जाएं, मात्र दो अक्षत के दाने, जैसे सूर्य नारायण को प्रसन्न करने के लिए अपन कुंकू डाल लेते हैं, हल्दी डाल लेते हैं जल में, या चने की दाल डाल लेते हैं जल के अंदर। सूर्य नारायण को प्रसन्न करने के लिए हमने चने की दाल डाली, कुंकू डाला, हल्दी डाली, और कभी कभी सूर्य नारायण भगवान से बहुत जरूरी काम है और वो कार्य हो ही नहीं रहा है, या तन पर कोई रोग हो गया है तो उसको मिटाने के लिए कई बार हमने भगवान सूर्य को अर्घ देते समय सफेद फूल भी डाला है, कभी लाल फूल भी डाला है। उसी तरह भगवान शंकर से निवेदन करने के लिए, हमारी ग्रह दशा सुधारने के लिए जल के पात्र में दो अक्षत के दाने, अक्षत भी पूर्ण अक्षत, पूर्ण अक्षत, खंडित नहीं, पूर्ण अक्षत भगवान शंकर को समर्पित कर। और बाबा भोलेनाथ को जब हम जल समर्पित करें तो राहु, केतु, मंगल, शनि, शुक्र, बृहस्पति जितने ग्रह हैं सब अनुकूल हो जाते हैं महाराज, सब अनुकूल, सारे अनुकूल। ये उसके लिए, जो बच्चा पढ़ने में कमजोर हो, जिसका विवेक काम नहीं कर रहा हो, जो बच्चे की बुद्धि विद्या अध्ययन में नहीं रमती हो, लगती ही नहीं हो, महाराज तांबे के कलश में जल लीजिए, उस जल में अक्षत के सात दाने डाल लीजिए, तांबे के कलश में जल हो, जल में अक्षत के सात दाने, ये जो सात दाने अक्षत के आप डालेंगे, जो बच्चा पढ़ने में कमजोर हो, विद्या में कमजोर हो, या बुद्धि या विवेक से कमजोर हो, मैं उनके लिए भी कहूंगा जिनकी बुद्धि ही काम नहीं करती, जो मानसिक विकलांगता के प्रति, या कई कई लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि मान लो आज आपका मन शांत नहीं है, आज आपकी बुद्धि शांत नहीं है, आज आपका चित्त शांत नहीं है, आज आपका विवेक शांत नहीं है, बहुत क्रोध आ रहा है, चिड़चिड़ प्रवृत्ति हो रही, घर में अच्छा नहीं लग रहा, परिवार में बात कर रहे हो पर मन शांत नहीं है, मैं उनके लिए भी कहूंगा कि जो भगवान के मंदिर जाते हो और मंदिर में जाकर उनको चित्त ना लगता हो, भगवान के मंदिर में पहुंचकर उनको मूर्ति का दर्शन कर ठीक ना लगता हो, वहां पर भी उनको श्रेष्ठता नहीं लगती, उनके लिए भी कहूंगा चावल के सात दाने जल के पात्र में डाल लीजिए और मात्र पांच पुष्प सफेद जल के पात्र में डाल लीजिए, दुर्वा के तीन बट, एक लंबी सी, यहां तो अभी दुर्वा नहीं है पर एक लंबी सी जो दुर्वा होती है, दुर्वा में तीन गांठ पड़े, लंबी डंडी होगी तो तीन गांठ अपने आप आ जाएगी, तीन बट वाली दुर्वा उस जल के अंदर डाल लीजिए और शंकर के मंदिर में जाकर उस जल को समर्पित कर दीजिए। जल समर्पित करना है, ये वाला जो जल चढ़ाएंगे आप शंकर को, जैसे शिवलिंग सामने है और जल का पात्र अपने हाथ में है तो उल्टा जल चढ़ाएंगे, ऐसे आपकी ओर मुख करा हुआ कलश भगवान शिवलिंग पर आप चढ़ाएंगे उल्टा के बाद, इस तरह से, ऐसे नहीं चढ़ाना है उसको, इस तरह से चढ़ाना अपनी, मात्र 15 से 20 मिनट में, जिसकी चित्त वृत्ति रमती नहीं हो, शांत नहीं हो रही हो, बुद्धि चित्त ना लग रहा हो, 15 से 20 मिनट में अंतर आ जाएगा, आपका हृदय चित्त प्रसन्न होगा। और बच्चों से निवेदन है, विद्या में कमजोर है, जिनकी विवेकता विकलांगता की हो रही हो, बुद्धि काम ना कर रही हो, वो जल चढ़ाने के बाद कटोरी में वो जल गए झेल कर उस जल का पान करना प्रारंभ कर दीजिए महाराज, 5 दिन 7 दिन पियो, आपको खुद आराम लगना प्रारंभ होगा। भगवान शंकर पर रक्त चंदन चढ़ता है, भगवान शंकर पर पीला चंदन चढ़ता है, पर भगवान शंकर पर कंकू, फूकू, रोली नहीं चढ़ती। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर के चरण में जब चोट लगी, कुंदुक का प्रहार करते समय कुंदुक चरणों में जाकर गिरा, माता ने वर मांगा भोलेनाथ से, बाबा आपके तन पर जो आज ये रक्त देखा है कभी ना देखूं। शंकर भगवान ने वर दिया, आज के बाद मुझे रक्त ना चढ़े। इसलिए कुंकू, रोली, शंकर भगवान का शिवलिंग जहां रखा रहता है, जो गोल भाग होता है, माता पार्वती जी का हस्तकमल चरण होते हैं, इस भाग पर आप कितनी भी रोली चढ़ाओ चल जाएगा, पर शिवलिंग पर कंकू, रोली, कुंकू नहीं चढ़ाना, आसपास चढ़ाइए, चंदन चढ़ाओ, अभी चढ़ाओ, गुलाल चढ़ाओ, जो चढ़ाना है शिव को समर्पित करो। भगवान शिव कुंद का ईश्वर हो गए। शास्त्र कहता है जिसको रोग सताए तो एक कलश जल में थोड़ा सा शहद
उंगली में शहद लेकर ओम लिखकर कुंदकेश्वर भगवान का नाम लेकर किसी भी शंकर के मंदिर में जल समर्पित कर दे, थोड़ा सा जल किसी बेलपत्र के नीचे चढ़ा दे, उस जल को नैनों से लगाकर घर लेकर आए, थोड़ा सा घर में लाकर घर के दरवाजे पर उसको जल से बिंदी लगा दे या त्रिपुंड बना दे, उस घर से रोग बीमारी दूर हो जाती है साहब, कुंदकेश्वर का नाम लेकर। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। लोहे से ताकतवर जम के बोलो अग्नि, अग्नि से ताकतवर पानी, पानी से ताकतवर मनुष्य, और मनुष्य से ताकतवर बीमारी जो अच्छे अच्छे को निकल जाती है। कितने सूरमा, कितने सूरमा इस भूमि पर पैदा हो गए और मर मर के चले गए, कितने ही। मनुष्य से ज्यादा ताकतवर है बीमारी, और बीमारी से ज्यादा ताकतवर है मेरा महामृत्युंजय, मेरा देव आदिदेव महादेव, जो मृत्यु जय कहलाता है, जो मौत पर भी विजय प्राप्त कर लेता है और बीमारी को भी जीत लेता है। बीमारी वो महामृत्युंजय, वो महादेव। हम कई बार कहते हैं अगर कैंसर जैसा रोग भी हो गया, बहुत बड़ी बीमारी हो गई आपको नहीं सद रहा और कैंसर जैसा रोग हो गया, कहीं आप जाएं डॉक्टर को दिखाएं, मना नहीं है, और उसकी टेबलेट लेने से पहले इस महादेव के चरणों की टेबलेट जरूर लेना, उसकी औषधि जरूर लेना। एक बार जहां शिव और सती का विवाह सतयुग में हुआ था, त्रिजुगी नारायण में, हम पार्वती के विवाह की बात नहीं कर रहे, हम सती के विवाह की बात कर रहे। जिस भूमि पर त्रिजुगी नारायण में शिव और सती का विवाह हुआ था, जहां दक्ष प्रजापति ने माता सती का मंगल पाणिग्रहण संस्कार करवाया था, कन्या दान किया था, भगवान शंकर और सती के विवाह की अग्नि आज तक जल रही है त्रिजुगी नारायण में। केदारनाथ जी जाते हैं, उसके पहले गौरीकुंड आता है, गौरीकुंड से लेफ्ट में 8 किलोमीटर की 10 किलोमीटर की दूरी पर त्रिजुगी नारायण है। त्रिजुगी नारायण में जहां पर भगवान शंकर और सती ने फेरे लिए थे, भगवान और शिव और सती के, जहां शंकर और सती की भावर डली थी फेरे हुए थे, उनके फेरे लेते समय माता सती के चरणारविंद से, भगवान शंकर के चलने पर सती माता के चरणारविंद से कुंड उत्पन्न हो गए। उस कुंड का पानी बोतल में भरकर लेकर आ जाओ, और उन 7 कुंड हैं, 4 तो कुंड पास में हैं और 3 कुंड पीछे की ओर, 7 कुंड का जल लेकर आओ बोतल में भरकर, और जिसको कैंसर जैसी बीमारी है सवेरे खाली पेट 1 ढक्कन 2 ढक्कन उसको पिलाना चालू करो, धीरे धीरे उसको आराम लगना चालू हो जाएगा, दवाई लगना प्रारंभ हो जाएगा। वो महामृत्युंजय कि अपने गमले की, अपने बगीचे की, अपने गमले की मिट्टी को निकालकर उसका शिवलिंग बनाकर पूजन करो, पर पूजन करो श्रावण, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसकी अर्चना होना चाहिए। और यह जरूरी नहीं है कि शिवलिंग बहुत बड़ा बनाया जाए, आजकल के जमाने में तो एक फैशन का दौर भी चल रहा है कि कहीं भगवान शंकर का शिवलिंग बनाए तो बहुत बड़ा शिवलिंग बनाओ थाली के अंदर, फिर उसका अभिषेक पूजन करो, यहां शास्त्र वर्णन नहीं कर रहा है, यहां तो शास्त्र स्पष्ट कहता है, शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है कि आप चाहे पार्थिव शिवलिंग बनाए, आप चाहे मट्टी का आनंद भाव से शिवलिंग बनाए, आप चाहे तो घर में शिवलिंग रखें, आप चाहे तो शिवलिंग का स्मरण आप घर के अंदर लेकर आए, पर कोई भी मूर्ति यदि आपके घर में है तो वो अंगुष्ठ आकृति से बड़ी नहीं होना चाहिए, बस इतना बड़ा स्वरूप भगवान का होना चाहिए, और मूर्ति अंदर से पोली ना हो, अंदर से ठोस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मूर्ति अंदर से पोली होती है वो घर को पोला कर देती है, घर में लक्ष्मी टिकने नहीं देती। तो कई लोग पूछते हैं गुरुजी अगर हम अंदर घर में हमारे मूर्ति है, पुरानी मूर्ति और पोली है, तो उसका क्या करेंगे? उसका करेंगे क्या? तो कुछ नहीं करना है, उसको कहीं रखकर नहीं आना है, उसको कहीं ठंडा करना नहीं है, उसमें केवल इतना करना कि मेन जो आता है, जो भगवान का श्रृंगार करते हैं तो उस पे जो चिपकाते हैं मेन, वो मेन उसमें आप डाल दीजिए, उसमें भर लीजिए और मूर्ति को ठोस कर लीजिए। हमारे हर एक वीडियो से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।